वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज से GS1 की जो सीरीज है ये इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। ये स्पेसिफिकली आपकी जो सीरीज है ये मेंस के लिए ही है। इसमें मेंस से रिगार्डिंग ही जो आपका स्टफ रहेगा वो शेयर किया जाएगा, ठीक है। एनरिचमेंट के रिगार्डिंग कि चीज़ों को अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्रेस करना होता है मेंस के पर्पज से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। अब क्योंकि ये हाइपोथेसिस है और कांट ने दी थी, तो कांट ने इस हाइपोथेसिस को 1755 में इसको दिया था। हाइपोथेसिस है तो इसमें कुछ एजम्पशंस भी होंगे, तो कांट ने कुछ एजम्पशंस भी माने हैं। नंबर वन पॉइंट ये है कि ये जो हाइपोथेसिस है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड रोटरी मोशन को यूज करती है, को अपना बेस बनाती है। एजम्पशन है जो कांट ने जो एजम्पशन माने थे, वो पहला एजम्पशन ये है कि एक सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर था। क्या था? प्राइमोर्डियल मैटर, ठीक है। और ये जो प्राइमोर्डियल मैटर था इसमें क्या क्या था? एक तो ये ठंडा था, इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स थे जो कि मोशनलेस थे, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना, मोशनलेस पार्टिकल्स, ठीक है। और इस वर्ड को भी याद रखना, एक तो कोल्ड आपको याद रखना है और एक मोशनलेस आपको याद रखना है। ये दो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके एजम्पशन में, जो कि इसको डिफाइन भी करेंगे इस हाइपोथेसिस को और इसकी क्रिटिसिज्म का पार्ट भी बनेंगे। पार्टिकल्स बिगन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसने माना कि जो आपका जो प्राइमोर्डियल मैटर था इसमें जो पार्टिकल्स थे उसमें एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था उन पार्टिकल्स के बीच में, माना उसने ऐसा कुछ भी कि हो सकता है ऐसा। अब चलते हैं बेसिकली हाइपोथेसिस थी क्या। हाइपोथेसिस का मैं चालू करूं तो बेसिकली उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि एक प्राइमोर्डियल मैटर है। क्या है? एक प्राइमोर्डियल मैटर, ओके। अब प्राइमोर्डियल मैटर में कैसे पार्टिकल्स हैं? आपके कोल्ड हैं, ओके, और सॉलिड हैं, ओके, प्लस मोशनलेस हैं, मोशनलेस, ठीक है। अब इस प्राइमोर्डियल मैटर को उसने एक नाम दिया, नेबुला, ठीक है, नेबुला। अब ये नेबुला क्या था? प्राइमोर्डियल था, दैट मीन्स प्रिमिटिव, प्राइमोर्डियल था, और प्राइमोर्डियल का मतलब होता है प्रिमिटिव। ये नेबुला क्या था? ये एमोर्फस था, एमोर्फस दैट मीन्स विदाउट शेप, ओके। अब ये जो नेबुला था इसमें जो पार्टिकल्स थे उसने सेकंड अपना जो एजम्पशन है वो क्या बोला था? सेकंड एजम्पशन उसने ये बोला है, पार्टिकल्स बिगन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। दैट मींस अब कांट का जो एजम्पशन है, पहला एजम्पशन तो उसने माना था कि अपना एक सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर है जिसको मैं नेबुला बोल रहा हूँ, जो कि प्राइमोर्डियल है, प्रिमिटिव है, ठीक है, ऑलरेडी वहां पे था। अब ये क्या है? जस्ट एक नेबुला को क्या बोलते हैं अपन? क्लाउड ऑफ गैसेस बोलते हैं, क्लाउड ऑफ गैस, ठीक है, ओके। मोटा मोटा अगर इसकी डेफिनेशन है नेबुला, उसको अपन जनरल वे में क्लाउड ऑफ गैस बोलते हैं। अब कांट के अकॉर्डिंग ये था कि जो नेबुला था वो प्राइमोर्डियल था, एमोर्फस था, पर इसमें जो प्राइमोर्डियल मैटर था वो कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस थे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसमें हुआ एक कॉलिजन। आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक कॉलिजन होता है। अब यहाँ से इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट ये कहता है कि कॉलिजन होगा आपका तो फ्रिक्शन तो होगा, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स वो डेवलप हुआ। और कॉलिजन होगा तो कुछ टाइम बाद कॉलिजन की रेट भी बढ़ेगी, कॉलिजन की जो रेट है ये भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स भी हुआ और कॉलिजन की जो रेट है वो भी आपकी इंक्रीज हुई। अब फ्रिक्शनल फोर्स हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है वो भी तो आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई भी दो बॉडीज हैं इनके बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो कोल्ड नेबुला था, जो कोल्ड आपका नेबुला था वो किस में बन गया? वो हॉट नेबुला बन गया, हॉट नेबुला,
दैट मीन्स यहाँ जो कोल्ड नेबुला था वो हॉट नेबुला बन गया है. क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है. और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ है. फ्रिक्शनल फोर्स क्यों जनरेट हुआ है? क्योंकि कॉलिजन हुआ था. और कॉलिजन क्यों हुआ है? क्योंकि कांट ने माना था कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण इन पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन हो गया. अब ये कोल्ड नेबुला जो है वो हॉट नेबुला बन गया. अब हॉट नेबुला बन गया तो ये एक्सपेंड भी करने लगा. क्यों करने लगा? बिकॉज आपने एक जनरल कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ एक्सपेंड कर रही है. ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है, दैट मीन्स इसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है. यहाँ तक क्लियर है? ओके. टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण एक यहाँ पर कंसेप्ट ये भी आता है कांट के अकॉर्डिंग कि जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो किसमें कन्वर्ट होने लगे? गैसेस में. दैट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट होने लगी. यहाँ तक क्लियर है? अब इधर चलते हैं. कॉलिजन रेट जब आपका इंक्रीज हुआ तो कॉलिजन रेट इंक्रीज होने से एक मोशन जनरेट हुआ. ठीक है भाई, कोई चीज़ यहाँ से जाके किसी दूसरी चीज़ पर टकरा रही है तो एक मोशन तो जनरेट होगा. ठीक है, अब ये मोशन कैसा था? रोटेटरी मोशन था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब रोटेटरी मोशन है और ये हॉट एंड कोल्ड नेबुला जो था ये कोल्ड नेबुला से अब हॉट नेबुला बन गया है और रोटेटरी मोशन भी हो रहा है. इधर साइज भी आपकी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अब रोटेटरी मोशन होते होते ये जो रोटेटरी मोशन है ये इंक्रीज होने लगा. ठीक है, अब यहाँ से आपका क्लियर हो जाती है थ्योरी क्रिटिसिज्म की तरफ. ठीक है, रोटेटरी मोशन जब इंक्रीज हो रहा है और ये साइज भी इंक्रीज हो रही है, और रोटेटरी मोशन भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं कुछ कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं क्या? कंट्राडिक्ट. ठीक है, डिस्कस करेंगे क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है. अब ये रोटेटरी मोशन जो इंक्रीज होता चला गया और साइज भी इसकी इंक्रीज होती चली गई, दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि ऐसे 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 कुछ ऐसे साइज भी इंक्रीज होती चली गई. ठीक है, अब इससे होगा क्या? आपने जब देखा होगा कि कोई भी एक पर्सन है ये अपने हाथ से जब किसी स्ट्रिंग में बंधे हुए किसी पत्थर को घुमाता है गोल 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 गोल, तो दो तरीके के फोर्स जनरेट होते हैं. एक तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो कांट के अकॉर्डिंग जब ये रोटेशन इंक्रीज होता चला गया और साइज भी बढ़ती चली गई तो एक टाइम ऐसा आया जहां पर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया. किससे? सेंट्रीपेटल फोर्स से. और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आपका जो नाइन रिंग्स हैं वो सेपरेट हो गई. आपका जो ये बड़ा हुआ जो मैटर था इससे नाइन रिंग्स सेपरेट हो गई तो उससे बने ये आपके प्लैनेट्स. ठीक है, और रिमेनिंग जो पार्ट था उसका बना आपका सन. ठीक है, ये कांट की हाइपोथेसिस थी. कांट की हाइपोथेसिस को मैं फाइनली एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म की. ठीक है, कांट की हाइपोथेसिस में कांट ने माना था कि एक प्राइमोर्डियल मैटर था. ठीक है, जो कि सुपरनेचुरली क्रिएटेड था. याद रखना, सुपरनेचुरली क्रिएटेड. इसको इसने नेबुला कहा. नेबुला कहा तो जो प्राइमोर्डियल जो मैटर है उसको नेबुला कहने का मतलब ये था कि इसने कहा कि ये क्लाउड ऑफ गैसेस था जिसमें एक कॉलिजन हुआ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण. कॉलिजन होने पे दो कंपोनेंट हुए इसके, नंबर वन और नंबर टू. नंबर वन ये कहता है कि कॉलिजन होने पर फ्रिक्शनल फोर्स आपका जनरेट हुआ. फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होने के कारण उस जो नेबुला था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इसका दो कंपोनेंट हुए. एक पहला कंपोनेंट ये है कि इसमें चेंज ऑफ स्टेट हुई, दैट मीन्स सॉलिड टू गैस. और दूसरा यह था कि जो कोल्ड नेबुला था यहां पर हमने क्या माना था? कोल्ड. ठीक है, ये बन गया किसमें? हॉट नेबुला में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. अब ये हॉट बना है तो इसका एक्सपेंशन भी होगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो चीज एक्सपेंड करती है. एक्सपेंड करेगी तो इसका साइज भी इंक्रीज होगा. किसका? नेबुला का. अब दूसरा कंपोनेंट कॉलिजन का ये कहता है कि कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन रेट इंक्रीज हुई. कॉलिजन रेट इंक्रीज हुई तो एक रैंडम मोशन जनरेट हुआ जो कि रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट हो गया. अब रोटेटरी जो मोशन है ये भी इंक्रीज होने लगा. अब यहाँ पर दो कंपोनेंट आ गए, रोटेटरी मोशन भी इंक्रीज हो रहा है और आपके साइज भी इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स सिचुएशन इस तरीके से है, रोटेटरी मोशन भी इंक्रीज हो रहा है और साइज भी इंक्रीज हो रही है.
इसी प्रोसेस में चलते चलते एक स्टेज ये आई कि जब आपका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स से, उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ से नाइन रिंग्स सेपरेट हो गई, नाइन रिंग्स सेपरेट हो गई और वो उन्होंने आगे चल के क्या बनाया, प्लैनेट्स बनाए, और रिमेनिंग जो पार्ट था वो बन गया सन। ओके, ये थी उसकी एक्चुअल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्रिटिसिज्म की तरफ। क्रिटिसिज्म क्या कहता है कि सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल मैटर, आपने ये तो कह दिया था कि ये आपका प्राइमोर्डियल मैटर है, लेकिन ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ये प्राइमोर्डियल मैटर, ये प्राइमोर्डियल मैटर आपका कहाँ से आया, आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं। दैट मीन्स ये आपका क्रिटिसिज्म हो गया कि ये जो प्राइमोर्डियल मैटर है इसका आपको सोर्स ऑफ ओरिजिन नहीं पता है। तो फर्स्ट आपका क्रिटिसिज्म वो ये है कि आपको सोर्स ऑफ ओरिजिन नहीं पता है उस प्राइमोर्डियल मैटर का। अब मोशनलेस टू मोशन, ठीक है, हमने माना था कि स्टार्टिंग में जो पार्टिकल्स थे वो कोल्ड थे, सॉलिड थे, ठीक है, और मोशनलेस थे। मोशनलेस, जब मोशनलेस हो रहे हैं तो ये इनमें मोशन कैसे जनरेट हो गया, मोशन कैसे जनरेट हो गया, दैट मीन्स जो मोशनलेस पार्टिकल्स थे उनमें मोशन आया कहाँ से? क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई ना करें। जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ रेस्ट में ही रहेगी। तो ये तो अपोजिट हो गया ना। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि कांट फेल रहे उस एक्सटर्नल फोर्स को एक्सप्लेन करने में जो कि मोशनलेस को मोशन में कन्वर्ट जिसने किया। दैट मीन्स कौन सा वो फोर्स था जिसने मोशनलेस पार्टिकल्स को मोशन में ला दिया, उस फोर्स को एक्सप्लेन करने में ये नाकाम रहे। अब कॉलिजन है, कॉलिजन आप दो बॉडी को कोलाइड कीजिए, कोलाइड कीजिए, ठीक है, बार बार कोलाइड कीजिए, क्या इससे कहीं कोई रोटेटरी मोशन जनरेट हो रहा है, क्या इससे कहीं रोटेटरी मोशन जनरेट हो रहा है? तो कांट ये एक्सप्लेन करने में भी फेल रहे कि कॉलिजन से, सिंपल कॉलिजन से कैसे आपका सर्कुलेटरी मोशन जनरेट हो सकता है। दो चीज अगर टकरा गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो गोल गोल घूमने लग जाएंगी। दैट मीन्स कांट जो है वो फेल रहे ये समझाने में कि कॉलिजन से सर्कुलेटरी जो मोशन है, रोटेटरी जो मोशन है, वो कैसे जनरेट हुआ। नंबर थ्री का एक क्रिटिसिज्म है। एंड नंबर फोर, जब हमने इधर बोला था कि इसकी साइज भी इंक्रीज हो रही है, रोटेटरी मोशन भी इंक्रीज हो रहा है और इसकी साइज भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो क्या कहता है, दैट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, दैट मीन्स एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर जो वेलोसिटी है मतलब गोल गोल घूमने की जो वेलोसिटी है वो क्या है, एल अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, एल आपका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मास जो है वो आपका कांस्टेंट है ही, मास में थोड़ी ना चेंज आता है, वेट में चेंज आता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। अब रिजल्ट क्या है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये प्रोपोर्शनल किसके है, वन अपॉन आर स्क्वायर के, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं ये एक्स मानूँ, ठीक है, इस रेशियो को मैं इधर ले जाता हूँ कि अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 1/2 मानूँ तो ये कितना होता है, 0.5। अगर मैं इस आर को बढ़ा दूँ तो एक्स इज इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स 0.25, तो ये घट गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब ये रेडियस मतलब कि जब इसका जो साइज है वो बढ़ेगा तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो घटनी चाहिए, जबकि कांट क्या कह रहा है कि इधर आपका रोटेटरी मोशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो उस हिसाब से होना क्या चाहिए कि जो साइज है वो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन कांट कह रहे हैं कि साइज इंक्रीज हो रही है, तो ये तो अगेंस्ट हो गया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कि मान लो कोई बॉडी अगर इस तरीके से है, एक ह्यूमन है जिसने अपने हाथ फैला रखे हैं और वो गोल गोल घूम रहा है, और एक ह्यूमन है जिसने अपने हाथ बिल्कुल सिकुड़ रखे हैं और वो गोल गोल घूम रहा है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जब इसकी वेलोसिटी हाई हुई तो इसकी साइज डिक्रीज हो गई, इसकी वेलोसिटी जब हाई हुई तो मतलब कि इसकी साइज भी ज़्यादा है, किसके अकॉर्डिंग, कांट के अकॉर्डिंग, जो कि आज गलत है ना। तो जब इसकी साइज ज्यादा है तो वेलोसिटी इंक्रीज के
बजाय वेलोसिटी होनी चाहिए आपकी डिक्रीज, ये होता है एक्चुअल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मींस कंक्लूड अगर मैं करूं तो ये है कि जब साइज इंक्रीज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ कहता है। बट कांट ने क्या कहा था, कांट ने कहा था कि साइज इंक्रीज हो रही है और रोटेटरी मोशन की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो ये तो अगेंस्ट हो गया बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे और ये थी हमारी हाइपोथेसिस किसकी, कांट की। इस तरीके से इसको डिफाइन करना है, चार क्रिटिसिज्म आपको लिखने हैं मेंस के पेपर में और इस तरीके से आपको ये फ्लोचार्ट वे में समझाना है चीजों को ताकि बेटर क्लियर हो, पैराग्राफ की फॉर्म में चीजों को नहीं लिखना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।